मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। ठाणे जिले में नए कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या 256 सामने आई है। ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर लगाना अब बेहद ही अनिवार्य। मुमरा के रशीद कंपाउंड के मैक्स अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरकर एक 16 साल की मुस्कान नाम की लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कयामुद्दीन नाम के एक शख्स 7वीं मंजिल पर घर है जिसमें ये अपने परिवार के साथ रहता है और इसी इमारत के 8वीं मंजिल पर इसका कारखाना है। बताया जा रहा है कि कयामुद्दीन की 16 साल की बेटी 8वीं मंजिल की कारखाने की खिड़की पर सूखे हुए कपड़े उतारने के लिए गई थी। इसी दौरान ये 8वीं मंजिल से नीचे गिर गई और इसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में एक मां ने अपने 2 साल के बेटे और 4 महीने की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसके पति ने उस महिला को मायके जाने से रोक दिया था। महिला ने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर और खुद अपने भाई और माँ के साथ मिलकर दोनों लाशों को जला दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में मां और भाई गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुणे में एक ठेला गाड़ी लगाने वाले ने 3 भिखारियों पर खौलता हुआ पानी डाल दिया है जिसमें 2 भिखारियों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे मामले में नीलेश जाधव नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज 5 जून को मनसे नेता अविनाश जाधव अयोध्या पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगने के बाद अयोध्या आने को कहा था मगर राज ठाकरे का इलाज चल रहा है इसलिए वो अयोध्या नहीं जा सके हैं। मगर मनसे नेता अविनाश जाधव अयोध्या पहुंच गए आज 5 जून को और दर्शन भी किए।